दोस्तों आज की वीडियो में आपको बाइक या कार के हॉर्न को रिपेयर करना सिखाऊंगा। इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, 98% केसेज में आपका बाइक या कार का हॉर्न आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप किसी भी हॉर्न को रिपेयर कर सकते हैं। अब इसको रिपेयर कैसे किया जाता है आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए, आप आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप इसको रिपेयर करने में एक छोटी सी गलती भी करेंगे तो आपका हॉर्न हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिखा दूं हॉर्न की रीडिंग कैसे चेक करनी है। देखिए, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो यहाँ पर आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर इस हॉर्न की मल्टीमीटर से मैं रीडिंग दिखा देता हूँ, जिनके पास मल्टीमीटर वो आसानी से चेक कर लीजिए। ये देखिए, बजर की रेंज में रख के इसकी रीडिंग आप देख लीजिए, जैसे नॉर्मली किसी स्पीकर की रीडिंग आती है बिल्कुल वैसे इसकी रीडिंग आती है। 4 ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसके अंदर एक कॉइल ही इस्तेमाल होती है और वहां पर वो कॉइल जो है मैग्नेट बना के इस वाले पर्दे को खींचती है, तो वो हॉर्न वहां पर टकरा के बजने लगता है। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप नॉर्मली एक LED टेस्टर भी बना सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप फिर यहाँ पर दूसरे तीसरे मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके हॉर्न में एक ऐसा साइन आपको दिख रहा हो तो आप हॉर्न रिपेयर कर सकते हो, तीसरे मेथड में आपको बताऊंगा। फिलहाल दूसरे मेथड में आपको दिखा दूं, यहाँ पर LED टेस्टर यहाँ पर जल रहा है, इसका मतलब हमारा हॉर्न बिल्कुल सही है, इसके अंदर का कॉइल बिल्कुल ओके है, तो हमारा हॉर्न आसानी से रिपेयर हो सकता है। काफी सारे हॉर्न में इस जगह पे स्क्रू नहीं दिए रहते खोलने के लिए और काफी सारे हॉर्न में यहाँ पर स्क्रू दिया रहता है। फिलहाल अंदर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर से ही रिपेयर हो जाता है। अब सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर से आसानी से चल जाता है। मेरे पास नॉर्मली एक चार्जर है तो इसकी मदद से मैं आपको इसको चलाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये 12 वोल्ट का मेरे पास चार्जर है या एडोप्टर भी आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, चलिए इस तरीके से दिखाऊं तो आपको देखिए। अब यहाँ पर इसे मैं चलाऊंगा, देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से साउंड सुनने को हमें मिलता है। देखिए, सुनिएगा, लगातार इस टाइप से यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसकी सेटिंग गड़बड़ा गई है और पहली कंडीशन में सेटिंग गड़बड़ा जाती है और दूसरी कंडीशन में इसके अंदर कार्बन आ जाता है या फिर जंग वगैरह लग जाता है पानी आने की वजह से। और आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हॉर्न में प्लस माइनस का यहाँ पर रहता है, नहीं, बिल्कुल किसी को भी आप किसी के साथ अटैच कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर साउंड आ रहा है, टिक टिक साउंड आ रहा है और किसी किसी में तो एक बार टिक आ रहा है बिल्कुल बंद हो जा रहा है। बस ये आपका हॉर्न अगर ऐसा साइन दे रहा है तो आप समझ लीजिए आपका हॉर्न बिल्कुल बिल्कुल 90% केसेस में रिपेयर हो सकता है। अब यहाँ पर इसको मैं सबसे पहले इसका आपको सेटिंग करना बताऊंगा। यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर आपने इस तरीके से लेना है। अब जिस बंदे का हॉर्न था उसने कोशिश तो करी है बट यहाँ पर उसे नहीं हो पाया, फिर भी हम अपनी तरफ से आपको नॉलेज देंगे और बिल्कुल इसको रिपेयर करके आपको सिखाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक नट लगा हुआ, इसको खोल दीजिए। अब यहाँ पर खोलने के बाद इसको धीरे 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 आप कसते जाइए और आपने साथ में यहाँ पर वायर को भी अटैच करना है, इससे आपकी हॉर्न की सेटिंग का पता, मतलब हॉर्न किस हिसाब से आपने रखना है वो पता चल जाता है। अगर इस ट्रिक को फॉलो करने से आपका हॉर्न सही हो जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा। वैसे आपको बता दूं इस ट्रिक से आपका हॉर्न बिल्कुल अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगा, बस सेटिंग गड़बड़ा जाती है, उसके नट वगैरह ढीले पड़ जाते हैं। अगर ये ढीला हॉर्न क्या होता है ना, जब बजता है तो पूरा ये वाइब्रेट होता है, कभी आप हॉर्न को बजा के अपने हॉर्न पे इस जगह पे उंगली टच करके देखिए, आप टच नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना वाइब्रेट होता है, तो उसी वाइब्रेशन से ये नट यहाँ पर ढीला हो जाता है, इस तरीके से ढीला हो जाता है, इसकी सेटिंग बिल्कुल गड़बड़ा जाती है। अभी थोड़ा सा इसको मैं कस लिया हूँ, अभी यहाँ पर चेक करते हैं, अभी भी कर रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा और कसता हूँ, देखिए देखिए बजने लग गया। और इसको मैं और घुमाता हूँ, इसको ट्यून करता हूँ, यानी कि और इसको पतला साउंड रखता हूँ और इसको घुमाता हूँ और इसको घुमाता हूँ, जितना मुझे साउंड जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। हाँ एक चीज और बता दूं आपको, बिल्कुल इसको कस देंगे तो आपका बिल्कुल ये बंद हो जाएगा, देखिए अब बिल्कुल किटकिट भी नहीं कर रहा। अब इसको थोड़ा सा मैं ढीला करूंगा, कसने से भी ये दिक्कत कर जाता है। अब इसको ट्यून करके बिल्कुल अच्छा साउंड इसमें लेके आता हूँ, देखिए जबरदस्त यहाँ पर साउंड आ गया, काफी नॉइज भी है इसमें, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मैं कस लेता हूँ। अब आपको ये कंडीशन अगर आती है तो इसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया। अब दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे रिपेयर करें, चलिए इसको पहले मैं अच्छी तरीके कस लेता हूँ,
देखिए, जिन लोगों के हॉर्न के यहाँ पर स्क्रू है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर बेनिफिट, उसको खोल के आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और जो कंपनी के हॉर्न होते हैं उनपे यहाँ पर स्क्रू नहीं होता, एक मतलब एक लॉक टाइप के दिए रहते हैं, वो उसमें से बिल्कुल उसको काटना भी पड़ सकता है। तो आपने क्या करना है, उसको काट लेना है या फिर स्क्रू है तो स्क्रू को खोलना है। तो चलिए जल्दी से इन स्क्रू को खोल लेता हूँ। हॉर्न तो हमारा रिपेयर हो गया, लेकिन कुछ ऐसे हमारे सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। और एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ, बहुत सारा नॉलेज देता रहता हूँ, और आप लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको पता होगा मैं अपने किसी भी वीडियो से या फिर किसी भी ऐसे नॉलेज को शेयर करने के बाद कभी भी आपसे फीस नहीं लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है, अगर आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा UPI मिल जाएगा। आप उसमें कुछ डोनेट करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अब यहाँ पर से मैं खोल लेता हूँ। देखिए, इसका अनबॉक्सिंग मैंने कुछ दिनों पहले किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। बहुत ही जबरदस्त टूल है, इससे आसानी से कोई भी स्क्रू आसानी से खुल जाता है। देखिए कितनी फटाफट आप स्क्रू खुल गया। बाकी अनबॉक्सिंग के लिए देख लेना। तो सारे स्क्रू यहां पर खुल चुके हैं, अब इसको आसानी से हम खोल लेते हैं। देखिए, तो इस तरीके से आसानी से खुल जाता है। अब काफ़ी सारी कंडीशन क्या होती हैं आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर ये सील खराब हो जाती है तो इसके अंदर पानी चला जाता है, पानी जाने की वजह से इस जगह पे कार्बन आ जाता है। ये देखिए अंदर कॉइल है ना, आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉइल है, बिल्कुल लाउड स्पीकर के अंदर जो कॉइल होती है बिल्कुल वैसी कॉइल इसके अंदर होती है। बट वायर की गेज जो होती है थोड़ा सा मोटी होती है, इसलिए स्पार्क वगैरह बहुत ज़्यादा करता है। आपने देखा होगा स्पार्क भी करता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या बनती है, इस जगह पे कार्बन भी लग जाता है। देखिए इस जगह पे कार्बन लग जाता है, ये देखिए इस जगह पे कार्बन लग जाता है। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको नीचे करके इसके इसके बीच में, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इन दोनों पत्तियों के बीच में अगर कार्बन लग जाए तो दोनों पत्तियों के बीच में आप थोड़ा सा स्क्रैच कर लीजिए, इसको नीचे दबा के स्क्रैच कर लीजिए। एक कंडीशन ये है। और दूसरा ये है कि इस स्क्रू को खोलने के बाद आप इसका एक बार ये जो कॉइल है ना, इसे चेक कर लीजिए। अगर कॉइल की वायर टूटी है तो इसी गेज का वायर लेके आप कॉइल को रिवाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को 1000 लाइक और 30000 व्यूज दे देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, जिसमें इस कॉइल को निकाल कर दोबारा से रिवाइंड करना बताऊंगा। बहुत ही आसान है। आपको मैंने बोला ना 90% जो केस होते हैं या 99% जो केस होते हैं वो आपके इधर पे कार्बन लगने की वजह से, इसकी सेटिंग खराब होने की वजह से, जो पीछे नट था ना इसकी सेटिंग खराब होने की वजह से, और इसके अंदर जंग पकड़ जाने की वजह से, वाटर जाने की वजह से, जंग पकड़ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बाकी जो है 2% इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो कॉइल की वजह से आती है, उसको भी हम रिपेयर करना आपको बता देंगे। जो मैंने टारगेट रखा उसको कंप्लीट आप करवा दीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक मार दीजिए। आपको एक चीज बताओ, इसमें जो PF लगा हुआ है इसके खराब होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। हाँ, कुछ केस में PF भी खराब हो सकता है, बट आपको बता दूं PF खराब नहीं होता है, या तो कॉइल खराब होती है या तो इसकी जगह पे कार्बन आ जाता है। अगर इस टाइप का हॉर्न है तो आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट कर लेता हूं, और यहां पर देखिए ये जितना भी कार्बन यहां पर लग रहा है इसको भी आप क्लीन करते चलिएगा। जब आप हॉर्न खोल ही रहे तो ये सभी आपने क्लीन कर लेना है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे पैक कर लेता हूँ। और ये वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और इस टाइप से कोई क्लोज तरीके से आपको हो सकता है किसी ने नहीं बताया हो या फिर सिखाया हो। वीडियो को जल्दी से लाइक मार दीजिए, और टारगेट पूरा करेंगे तो आपको इसको कंप्लीट तरीके से रिपेयर करना बता दूँ। कोई इसका मुश्किल काम नहीं है। वैसे आप टारगेट नहीं भी देंगे तो भी मैं वीडियो बिल्कुल बना दूंगा इसका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप लोगों के लिए बिना फीस के ही मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप चाहें तो डोनेट कर सकते हो, UPI पिन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए इसको जल्दी से कसके आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो फाइनली ये कस चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तो यहां पर मैं ज्यादा जोर से नहीं करूंगा, बट आपको भी डिस्टर्ब हो सकता है वीडियो पे, आपको चलिए 2 सेकेंड के लिए दिखा देता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और सीखने के लिए मिला होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पर हाँ, एक छोटी सी और जानकारी आपको दे दूं, इस वीडियो में हो सकता है बहुत लोगों के मन में एक और डाउट हो। मैंने आपको बताया ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि इसमें कॉइल आपको पता है
कॉइल का काम पूरा होता है, तो उसको आप ट्रांसफॉर्मर से भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास चार्जर है या फिर नहीं है, नहीं है तो आप एक ट्रांसफॉर्मर ले लीजिए 12 वोल्ट का, उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए आपके सामने बिल्कुल एक मिनट, ये ट्रांसफॉर्मर, इसको चेक कर रहा हूँ, देखिए देखिए। एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्मर अगर 4 या 5 एम्पियर का होगा तो अच्छा खासा साउंड यहाँ पर देगा, बट ट्रांसफॉर्मर कम एम्पियर का है तो यहाँ पर साउंड उतना प्रॉपर नहीं दे रहा, फिर भी आप सुन सकते हैं। और वहीं पे अगर ज्यादा एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर यूज करूंगा तो अच्छा साउंड यहाँ पर दे देगा। मैक्सिमम इसको यहाँ पर लिखा भी है 2 एम्पियर की जरूरत पड़ती है, ये देखिए अब यहाँ पर लिखा है ना 2 एम्पियर की जरूरत पड़ती है, और ट्रांसफॉर्मर हमारा बिल्कुल 1 एम्पियर का है, आप देख सकते हैं हमारा 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर का है। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मर से भी इसको चेक कर सकते हैं, बट एम्पियर उसका ज्यादा होना चाहिए, लगभग 3 से 4 एम्पियर का होना चाहिए। इसको मिनिमम 2 एम्पियर चाहिए और मैक्सिमम 10, 12, 13 एम्पियर कितना भी आप दे सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में जो बैटरी यूज होती है उसका एक फिक्स एम्पियर नहीं होता है। बाइक पे 9 एम्पियर तक की बैटरी लगती है, और बड़े बड़े ट्रक या फिर बस में 150 AH या फिर 90-95 एम्पियर की लगती है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते होंगे यार कि ज्यादा एम्पियर से खराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, फिक्स इसको 12 वोल्ट मिलनी चाहिए। एम्पियर आप घटा बढ़ा सकते हैं, जितनी इसकी रेटिंग है उससे ज्यादा इसको एम्पियर मिल जाए तो प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर चार्जर लगभग 2-2.5 एम्पियर का, तब यहाँ पर अच्छी तरीके से साउंड दे पा रहा है, देखिए फिर भी चार्जर में अच्छा खासा एम्पियर मिल रहा है, तो यहाँ पर यह रन कर ले रहा है। और इसमें इतना ज्यादा साउंड आता है कि कान को भी दर्द होने लगता है, और यहाँ पर पूरा पर्दा हिलने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा यार करंट लग गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, वहां पर आपको मैंने जो भी टारगेट दिया उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, आपकी इच्छा हो तो। मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।